हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो रे हमें किछि क्वेश्चन गुडा आलोचना करिया, मोर डैश फ्लॉप रिलेटेड क्वेश्चन गुडा को जुडे के टोटली 75 टी माने कोन क्वेश्चन अछि या को हमें दुई टी वीडियो रे सारीबा। ठीक अछि, तो फर्स्ट हमें मैक्सिमम 38 टी एमती करके टोटली सारिया 38 आ आसी हमर 37 है ना। तो फर्स्ट पार्ट वीडियो रे हमें 38 टी क्वेश्चन को आलोचना करे, एबे जुडा हमें आलोचना करे पुनिया पर पार्ट ऑफ वीडियो रे हमें 37 टी क्वेश्चन को आलोचना करिया। तो ये हो छ हम दशम श्रेणी फिजिकल साइंस रो फर्स्ट चैप्टर जो हम रासायनिक समीकरण अछि ना कि रासायनिक प्रतिक्रिया एवं समीकरण अछि तारि क्वेश्चन गुडा को आ बही हो छि सौर टेस्ट पेपर। ठीक अछि, तो एटा हमर 75 टी क्वेश्चन अछि डैश फ्लॉप गुडा को आ ये आघो माने एक्चुअली आ गुडे हमर जो टीबीडब्ल्यू जाइछि टीबीडब्ल्यू रे मैक्सिमम 164 टी क्वेश्चन हमर एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चन गुडा को जाइछि। जदि आपण देखि नांती जांतु देखे प्लेलिस्ट मोर ऑलरेडी अपलोडेड हे कि अछि। ठीक अछि, तो टीबीडब्ल्यू रो सरला परे मोर टेस्ट पेपर हमर सौरभ रु आनिछि, देन इया परे मोर अस्तार आसीबो जतले माने सौरभ भी सरीबो देन अस्तार टेस्ट पेपर क्वेश्चन गुडा को जति के भी सेड अछि मु सब जक अपलोड करबि। सब जक क्वेश्चन पाया पय आपण चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करंतु। तो चलो आरंभ करिया। देखो तो ये कौन कहूँ ना डैश फिलअप देना थोड़ी ना आंसर देखू सिलेक्ट करके लिखा, तो टोटाली आंसर देना खाली डैश फिलअप कराई। ठीक अच्छे, तो आंसर आमको जहाँ मन पड़ो देन से गुड़ाक आम डैश रे लिखा आ क्वेश्चन जेन सी अच्छे कौन। ओके, तो कौन हो देखु जे क्वेश्चन पचार एक नंबर जे सिल्वर क्लोराइड। ठीक अच्छे, HCl है ना, सिल्वर माने सिल्वर क्लोराइड डीएस रो उपस्थिति रे धला रंग रो धूसर रंग रे परिणत हो, यार एक्चुअल वर्ण हमर धला वर्ण किंतु ये कहा सहित कंबाइन करिवो कंबुशन करिवो या रिएक्शन करिवो जे से कोन धूसर रंग रे परिणत हबो। कहा सहित ना सूर्यलोक आपण सुनते ताको जदि हम सिल्वर क्लोराइड जदि बाहर रखि देबा खरा जदि बाजिबो से कोन ना धूसर रंग रे परिणत हबो। ये आंसर कोन लिखिबे ना सूर्यलोक। ठीक अछि, दुई नंबर जलीय द्रवण पाई डैश संकेत व्यवहृत हुए, जलीय द्रवण केमती थी ना देखो तो आमर एच टू लिखाई है एच टू टा के जलीय द्रवण केमती लिखा ना ए क्यू एमती लिखा। ठीक अच्छे, जदि सलीडटा था देन ये कौन ना आम सलीड एस लिखाई था है ना, ना जदि ये गैसीय था देन ताक जी लिखाई था हाँ कि नहीं, या आमर कौन कौच या संकेत कौच यहाँ गोटे गोटे पदार्थर सांकेतिक रूप। ठीक अच्छे, तीन नंबर देखो लेड नाइट्रेट को गरम कले निर्गत होउथिबा धूमटी हेउची धूमा तो कौन करे धुआ धुआटा हेउची कौन जो नेट हन कौन आमर लेड नाइट्रेट को मैं गरम कले गरम कले जो धुआटा हेउची धुआ हेउची आमर एनओ टू। ठीक अच्छे, गरम कले अर्थ पुड़ेले कौन जो धुआ हेउची सेडा हेउची आमर कौन एनओ टू। ठीक अच्छे, देन देखो चार नंबर वायुरोधी पात्र खाद्य पदार्थ रखिले डैश प्रक्रिया धीर होता है कौन ना जारण प्रक्रिया कहीं ताहिरिया अम्लजान ये जो अम्लजान गैस अच्छी जे जान पर अधिक यूज कै सी कौन ना जापर ना से जिनस कौन ना अधिक दिन स्थायी हो रही है। ठीक अच्छे, जारण लिखे आम डैश रे बेरियम सल्फेट एक डैश अटे अवक्षेप अटे आप लिखे है अवक्षेप अटे कांथरे चूनपाणी लगेबार दुई तीन दिन पर डैश सृष्टि हुए कौन सृष्टि हे ना से हम कैल्शियम कार्बोनेट सृष्टि हे ये लिखे आप कैल्शियम कार्बोनेट सृष्टि हम। ठीक अच्छे, सात नंबर कॉपर सल्फेट द्रवण में लुहा कंटा को किसी समय बुड़ाए रखिले आम जो एक्सपेरिमेंट करते ना बहरे अच्छे तो द्रवण नील रंगर तीव्रतार डैश घटे से कौन हुए ना आम कौन घटे से कौच कमिबो ना बढ़िबो कौन हम ना ह्रास हम है ह्रास लिखे अपने ये ह्रास। देन आठ नंबर को जीवा मैग्नीशियम पातर दहन रु मिलुवा धला चूर्ण टी हूँ कौन मैग्नीशियम पात को आम जाड़े जो धला धला पाउडर जो कौन वॉच ग्लास झरुला है ना, तो सेटा कौन से कौच कौन ना सीटा हूँ आम मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO है यहाँ लिखे कौन मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉरी सॉरी हाँ आठ नंबर लिखे आठ नंबर क्वेश्चन पे आउ नौ नंबर देखो श्वासक्रिया एक डैश रासायनिक प्रक्रिया यहाँ हूँ बाप ताप उत्पादी रासायनिक प्रक्रिया आप ये लिखे ताप उत्पादी रासायनिक प्रक्रिया। दस नंबर देखो कैल्शियम ऑक्साइड को
कौन कहती कली चून कहती कैल्शियम ऑक्साइड को आप कौन कहे कली चून ये लिखे कली चून कहती ठीक अच्छे हला देन आप लिखे कौड़ एगार नंबर पिंक कॉपर सल्फेट द्रवण रु डीएस अपसारण करे पिंक माने कॉपर सल्फेट अच्छे आप पिंक मिसाई देवे कौन करेंगे ना ये कॉपर को अपसारण कर लिखे कौन आप कॉपर को अपसारण कर बार लौह निर्मित द्रव्य बाहर किछि दिन रहिले ता उपरे ड्यास रंगर लोहित बादाम रंगर जो कलंकी कहबे ना कि सेटा हूँ तार रंग हूँ लोहित बादामी आपण ये लोहित बादामी लिखे ठीक अच्छे आउ तेर नंबर जीवा समित चूनर उत्पादन एक ड्यास प्रतिक्रिया यहाँ हूँ संश्लेषण प्रतिक्रिया आपण लिखे संश्लेषण प्रतिक्रिया तेर नंबर पर चौदह नंबर फेरस सल्फेट स्फटिकर संकेत कौन फेरस सल्फेट SCSO4 सॉरी FeSO4 तापर 7H2O यहाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ना प्राय क्वेश्चन मैंने हाँ एग्जाम पचार था फेरस सल्फेट संकेत कौन चौदह नंबर आंसर होटा ठीक अच्छे पंद्रह नंबर हाइड्रोजन गैस को उत्तप्त कॉपर ऑक्साइड उपर प्रवाहित कले कला रंगर आस्तरण डीएस रंगे परिणत हुए कौन हम बादामी एप आप लिखे बादामी रंगरे परिणत हुए ठीक अच्छे सरी मीरे दीर्घ ही पड़ो हाँ षोल नंबर देख कौन कौज डीएस प्रतिक्रिया साधारणतः ताप आलोक ओ विद्युत शक्ति आवश्यक हुए कौ प्रकार ताप विघटन है विघटन लिखे आपने ये तो सतर नंबर देख कौन कौज प्राकृतिक गैस रो दहन अच्छा प्राकृतिक गैस रो दहन एक को माने को प्रकार रो प्रतिक्रिया से कहो एटा कौन ताप उत्पादी प्रतिक्रिया एटा अपन लिखिबे ताप उत्पादी प्रतिक्रिया अठारह नंबर देखंतु रासायनिक समीकरण बाम पार्श्वरे डैश गुड़िक लेखा जाए प्रतिकारक गुड़ाक देख एटा मन कर कौन आम प्रतिकारक चिन्ह एटा डाण पार्श्व रहा एपटे आम बाम पार्श्व रहा तो एपटे जी एलिमेंट्स गुड़ाक मिसाई से गुड़ाक कौन बोल कहे प्रतिकारक आपटे लिखा कौ गुड़ाक ना जे एम उत्पादक मानकर ना ठीक अच्छे तो अठ नंबर कौन गला आंसर आमर ना प्रतिकारक ठीक अच्छे उन्नीस नंबर कौन डीएस नियमानुजाई रासायनिक समीकरण को समतुल कराए वस्तुत संरक्षण नियम अनुजाई हाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कहते हमें तो से नियम अनुजाई आम ये कौन करुचे ना गोटे समीकरण को समतुल करुचे एपटे जी वस्तुत अच्छी एपटे तार ठीक से वस्तुत बाहर हाँ कौन कहु वस्तुत संरक्षण नियम बोले कह उन्नीस नंबर कोड़े नंबर देख कौन कौच डीएस को कला धला फोटोग्राफी में व्यवहार करा जाए अच्छा एमती कौन अच्छी ना सिल्वर ब्रोमाइड अच्छी HBr2 हम पर ठीक अच्छे खाली इतनी लिखुद सिल्वर ब्रोमाइड एपन लिखे है एक नंबर देखु अम्लीय बलर विद्युत विश्लेषण रे सृष्टि होता हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अनुपात के अच्छा हाइड्रोजन अच्छी एपटे ऑक्सीजन अच्छी H2O2 आउ है तो यकर वस्तु तो कैसे यहाँ हूँ टू यहाँ हूँ वन है यहाँ 2:1 एमती अच्छी गुट देवा भूलबे है 22 नंबर हूँ कलीचून ओ बलर प्रतिक्रिया एक डीएस प्रतिक्रिया यहाँ ताप उत्पाद हाँ ताप उत्पादी प्रतिक्रिया है लिखे ताप उत्पादी प्रतिक्रिया 23 नंबर देखु रासायनिक समीकरण को साधारणतः डीएस पद्धति रे समतुल करा जाए रासायनिक समीकरण अच्छे केमिकल इक्वेशन ताको के हाँ परख निरख एक्चुअली है परख हाइपेन निरख है निरख एक्चुअली हाँ तो ये प्रक्रिया द्वारा कौन आम गोटे रासायनिक समीकरण को समतुल करुचे है जी 24 कैल्शियम ऑक्साइड जल एवं तीव्र प्रति जल सहित तीव्र प्रतिक्रिया करी कौन सृष्टि कर कौन ना समित चिन्ह आगला जदि आम कैल्शियम ऑक्साइड को जल सहित मिसेले कौन हो समित चूर्ण आरंभ कर कलर मारूचे चून है ना चून कलर जो कौचे से आम कौन कौचे ना समित चूर्ण कह कथा एक्चुअली है ये हम आम कौन ना समित चूर्ण आप लिखे 25 श्वसर एक डैश प्रतिक्रिया यहाँ को आम ताप उत्पादी प्रतिक्रिया लिखा है 25 नंबर 26 देखु
कपर सक्षारण जो सक्षारण बोले कौन कह इरोशन जो कहते ना जो मानते धातु हेले हाँ से कौन ना क्षय जीवा प्रक्रिया को सक्षारण कौचे तो कपर सक्षारण द्वारा यह उपर डिया सरंगर आस्तरण सृष्टि हुए के रंगर आस्तरण सृष्टि हे कौन लिखिली सबूत लिखी जो सबुज रंगर आस्तरण टे सृष्टि हम रईट तो ड्यास को एक प्रतिजारक भाव में व्यवहार करा जाए क्या जबक्षारजान गैस को है जबक्षारजान गैस को नाइट्रोजेन सी एन टू बा लिखु नाइट्रोजेन को एक प्रतिजारक भाव में यूज करा जाए है 28 नंबर सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्यलोक उत्तप्त करने एक ड्यास प्रक्रिया विघटन प्रक्रिया है ये जी आर टू जो या आगर आई है ना या लिखे कौन आम विघटन प्रक्रिया हला 28 पाई 29 कौन कॉपर सल्फेट स्फटिक डैश टी जड़ू सतटा स्फटिक है फेर सल्फेट सल्फेट स्फटिक सतट जलअणु थाए यहाँ बही आराम से मिल जाव है तो देखो 30 नंबर कौन कौन वायुरोधी पात्र 30 नंबर वायुरोधी पात्र डैश रखिले जारण प्रतिक्रिया धीरे हुए कौन रखिले ना खाद्य पदार्थ रखिले कहीं एयर टाइट बा वायुरोधी पवन जाइबन कहीं से आम जारण प्रक्रिया हम ना आम अक्सीजेनटा एंट्री कर पार ना ठीक अच्छे तो 31 कौन कौन एनओ टू रंगर मैंने धूआर रंग डिया अटे केमती ना बादाम अटे बादाम बादाम लिखे आप बादामी आँ बादाम नाउन बादामी एडजेक्टिव ना कि 32 देख कौन कौन ना सोडियम जल सह प्रतिक्रिया कले के गैस हम यहाँ हूँ उद्जान है उद्जान आपण लिखे ये उद्जान गैस उत्पन्न हुए 33 रासायनिक प्रतिक्रिया रे धातुर धीरे धीरे क्षय होगा प्रक्रिया को आम सक्षारण कह धातु जदि क्षय हो जाए बुझे ये सक्षारण हो ठीक अच्छे कड़े गलार 33 है ना अच्छा एवं 34 जी अवक्षेपण प्रतिक्रिया डैश लवण उत्पन्न करे अवक्षेपण अद्राव्य लवण उत्पन्न करे अद्राव्य हला अद्राव्य लवण उत्पन्न करे 35 देखु डैश निरोध करुवा पदार्थ को प्रतिजारक अच्छा कौन होगाक दे पदार्थ को आम प्रतिजारक कहवा ना ये जारण होगा दे पदार्थ को जमी आम एन टू अच्छे ना कि नाइट्रोजेन अच्छी उद्जान अच्छे तो एबे जीवा अमर कौन ना टिके टोटल अमर ए जे क्वेश्चन जीवा हला तो एबे जीवा अमर कौन ना 36 को मैग्नीशियम पात को जळे लेडियस वर्णर एबे धळा वर्णर हगिने धळा वर्णर शिक्षा करी जळे हला 37 डैश नियम अनुसार कौन सी रासायनिक प्रक्रिया रे वस्तुतर विनाश घटे ना वस्तुतर संरक्षण आईन हगे वस्तुतर संरक्षण आईन अनुसार आमे कौन जानिचे ना ए जो अमर एड थिला ना 19 स्क्वाड गला रे हां 19 मुझे देखी थी 19 आंसर आम ये हम ना कि वस्तुत संरक्षण नियम अनुजाई है आ लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखते कौन कौन ना एकमात्र उत्पाद गठित होता रासायनिक प्रतिक्रिया को आम कौन कौचे ना संश्लेषण प्रतिक्रिया बोले कौचे एपटे केतटा भी जहाँ भी मानते प्रतिकारक मिसु किंतु जदि उत्पाद गठी होने आम संश्लेषण रासायनिक प्रतिक्रिया बोले कौचे है संश्लेषण लिखित हम ना स संश्लेषण तापर मैंने एमती लिखे है संश्लेषण रासायनिक प्रतिक्रिया कौचे तो आई होप वीडियो टी बुझा पड़ा देन देखते यापर आम आसूसी कौन ना 38 टोटाल 75 पर्यंत क्वेश्चन गुड़ाक कंटिन्यू चलो यापर आ गोटे पार्ट आसो जो पार्ट्रे आम वीडियो गुड़ाक सर तापर आम आस एक पदरे प्रकाश कर रिलेटेड क्वेश्चन गुड़ाक यही अध्याय हिं आ सोर टेस्ट पेपर तो सब क्वेश्चन गुड़ाक पाइबापे आम चैनल सहित लगिक रुहतु ठीक अच्छे देन आउ गोटे कथा जो TBW रि क्वेश्चन गुड़ाक आम अपलोड हो प्रायत ए अध्याय बोल कि सरी जाए कि सौरभ रे चली आपर अस्ता टेस्ट पेपर सर देपर मोर सबू अध्याय क्वेश्चन आंसर गुड़ाक अपलोड हो सब पाइबापे चैनल को सब्सक्राइब करूँ थैंक यू सो मच।